तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास आता है यहां पे सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला के साथ हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। और उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, और एक एक करके हम इन टॉपिक्स को करते हैं और क्या इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में भी हम यहीं पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं, सपोज पी एंड क्यू, ये दो मेरे पास पॉइंट है पी एंड क्यू, और इनके मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2, ये दो मेरे पास इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कि क्या डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन हो स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है, इसे हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ के अंदर मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है PQ वो मुझे निकालना है। तो यहां पे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, तो होगा क्या, अगर आप इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस लेते हैं, तो x एक्सिस पे जो ये पॉइंट है ये होगा x1, और ये जो पॉइंट है ये होगा y1। ऐसे यहां पे जब आप इसे x एक्सिस पे प्लॉट करें तो यहां पे हमें मिलता है ये डिस्टेंस x2, और यहां पे ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये हमें मिलेगा y2। तो ये पॉइंट x1, ये x2, ये y1 और ये y2। अगर आप इसे एक ट्राइंगल बना लें, मैं इसे ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, यहां पे इसे कुछ भी नाम दे देते हैं हम, आर में इसे नाम दे देता हूं। मुझे निकालना है पी क्यू, और यहां पे ये है पी आर और ये है क्यू आर। तो अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेन्यूज को निकाल सकता हूं इसके, लेकिन यहां पे मुझे डिस्टेंस चाहिए पी आर और क्यू आर। वो कैसे निकलेगा, ये पूरा डिस्टेंस है एक्स टू और ये डिस्टेंस है एक्स वन, तो यहां पे एक्स टू में से एक्स वन को माइनस करोगे तो ये जो डिस्टेंस आता है वो आता है एक्स टू माइनस x1। तो हमारे पास PR हो जाता है x2 माइनस x1। इसी तरह से ये जो पूरा डिस्टेंस है, यहां तक ये डिस्टेंस होता है y2 और ये डिस्टेंस होता है y1। अगर आप ये डिस्टेंस निकालेंगे तो y2 माइनस y1 आता है। इस y2 में से अगर आप y1 को माइनस करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाता है। उसके बाद हम ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या करते हैं, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम ये यहां पे लिख सकते हैं। अब होगा क्या, इसमें पी आर की जगह आप क्या रखोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, क्यू आर की जगह रखोगे वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब मुझे पी क्यू अगर निकालना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे रूट हम ले लेते हैं इधर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। ये हमारे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमें यहां पे निकालना था। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में, वो हम अलग से वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम जो एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर बहुत कम क्वेश्चंस लेने वाला हूं। और नॉर्मली हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस यहां पे करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास यहां पे आ सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है वो सिंपल डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है। सिंपल डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, सपोज यहां पर हमें दे दिया कोई भी पॉइंट, इस तरह से हमें दे दिए हैं, तो एक को हम ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, एक को ले लेंगे एक्स टू वाई टू, और डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और डिस्टेंस आ जाएगा यहां पे। दूसरा टाइप जो बनता है यहां पे वो क्या बनता है, आपसे पूछ सकता है कि ट्राइंगल या कोई और फिगर, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो आपसे पूछ सकता है। जैसे ट्राइंगल के लिए आपको क्या करेगा, वो
तीन आपको इस तरह से पॉइंट देगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां डिस्टेंस फॉर्मूला और यहां डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं इस तरह से पॉइंट्स ले लूं P Q R, तो हम क्या निकालेंगे यहां पे, पी क्यू निकालेंगे, पी आर निकालेंगे और क्यू आर निकालेंगे। ये तीन हम डिस्टेंस यहां पे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो दो साइड है, कोई भी दो साइड हो सकती हैं, उनका जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। कोई भी दो साइड्स, तीन डिस्टेंस हमने निकाले हैं, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस से अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल की कंडीशन ये है कि दो साइड का सम तीसरे साइड से ज्यादा आना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर और क्या हो सकता है, वो हमसे टाइप्स भी पूछ सकता है ट्राइंगल के। टाइप्स कैसे पूछेगा, अब वो ये पूछ सकता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है, स्केलीन है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमसे टाइप्स पूछ सकता है। टाइप्स कैसे बताएंगे हम, यहां पे हमने ये तो बता दिया कि ये ट्राइंगल है, अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आते हैं, ठीक है, तीनों डिस्टेंस अगर सेम है तो वो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर सिर्फ दो डिस्टेंस सेम आए या दो साइड सेम आई और एक साइड डिफरेंट है तो वो होगा आइसोसेलिस ट्राइंगल। अगर वो सेटिस्फाई करता है पाइथागोरस थ्योरम को, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो वो क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर तीनों साइड अलग आ रही है और पाइथागोरस को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो स्केलीन ट्राइंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो हमारे पास टाइप बनता है, एक सिंपल डिस्टेंस निकालने के लिए, एक वो ट्राइंगल या कोई भी फिगर दे सकता है आपको, स्क्वायर दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकता है, रोम्बस दे सकता है, कुछ भी आपको वेरीफाई करने के लिए पूछ सकता है। एक और टाइप जो यहां पे बनता है वो ये है कि वो आपसे कोलिनियर पॉइंट्स पूछ सकता है, कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है। तो वो कैसे हमें बताना होगा, आप अगर ये देखिए, एक लाइन आपने ड्रॉ की ए बी और सी, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो किसी भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए, जैसे यहां पर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है, तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल में दो का सम तीसरे से बड़ा आता है, जबकि कोलिनियर में क्या होगा, दो का सम तीसरे के बराबर आएगा, तो वहां पे क्या होंगे, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। यहां पे जब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए दे रहा है तो हो सकता है वो आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करा दे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वो दे दे और यहां से आपसे कोई एक कोऑर्डिनेट पूछ ले, यहां से कोई एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू पूछ सकता है। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये हमारा आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसके ऊपर जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं वो इस तरह से होंगे। तो उसके बाद अभी हम एनसीईआरटी के इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम पूरा जो ब्रीफ है इसका, पूरे चैप्टर की समरी है वो हम देख लेते हैं।